थोड़ी स्लोली स्लोली भैया। रोल्स हैं, मुगलई पराठा है, फिश है, इतनी सारी चीजें हैं, बट हमारे पास बजट नहीं है। दूसरों का पेट खराब कर दूंगी अगर मेरे को अब ना मिला ये रोल। Hello everybody and welcome back to my channel. I'm Kujyoti Dhingra and I'm here to talk about food, travel and vlogs. So if you like any of those things, consider subscribing. So आज की वीडियो होने वाली है एक बजट चैलेंज और इसके लिए हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के चितरंजन पार्क विच इज द मिनी कोलकाता ऑफ दिल्ली और यहाँ पे हम लोग 500 रुपए में क्या क्या खा पाएंगे ये मैं आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाली है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। आपको क्या क्या ट्राई करना चाहिए दुर्गा पूजा में आके इन सीआर पार्क, वो भी रिकमेंडेशन मैं दे ही दूंगी। तो फटाफट से चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सीआर पार्क। लोकेशन है दैट इज़ राजू चाट कॉर्नर, जहाँ पे मिलते हैं कोलकाता स्टाइल पुचका। और भाई अगर आप सीआर पार्क आ रहे हो और आप यहाँ पे आके इनका पुचका नहीं खाते तो आप व्यर्थ आ रहे हो, मतलब आपको आना ही नहीं चाहिए सीआर पार्क। इनका पुचका बहुत अच्छा होता है, मैंने पहले भी खाया हुआ है और आज भी मैं खाने आई हूँ। 50 रुपये की इनकी प्लेट है जिसके ऊपर आई डोंट नो व्हाई चिकन राइस क्यों लिखा हुआ है, लेकिन मैंने मांगा तो पुचका ही था। बड़ा चलते हैं, काफ़ी भीड़ भड़का होना शुरू हो गया शाम के टाइम। फटाफट से पुचका खाते, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, लेट्स गो। हाँ भैया तीखा कर दो एकदम फुल पावर। अच्छा वो अलग है तीखा, ये तीखा। हाँ हाँ मेरे को तीखा चाहिए। थोड़ी स्लोली स्लोली भैया। बहुत बढ़िया। कितने आते हैं भैया 50 में? 7। तो पुचका लिया है मैंने, खा। और जिनको लगता है ना गोलगप्पे और पुचके सेम होते हैं तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। गोलगप्पे के अंदर ना वैसे आलू और चने की दाल वाला मसाला डाला जाता है, जो ये होते हैं इसके अंदर पूरा मसाला बनाते हैं। वो आपसे पूछते हैं आप तीखा खाओगे कम तीखा खाओगे, जैसे मेरे को ज़्यादा तीखा खाना था तो उनका भी मसाला होता है उसमें, वो मिर्ची मसाला ज़्यादा डालते हैं। उसके अलावा ये वाले जो आलू होते हैं ना वो मैश्ड हाथों से मैश करे जाते हैं, जिसमें काफ़ी मसाला डाला जाता है और काले छोले डाले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे अपने गोलगप्पे होते हैं वो थोड़े सूजी और आटे के थोड़े मोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू पुचका, जो कि बड़ा ही लाइट होता है। खाते ही पता नहीं चलता पेट में कहाँ घुस गया। एंड तीसरी बात यह है कि जो अपना गोलगप्पे का पानी होता है ना वो जनरली बनाया जाता है विद पुदीना और धनिया, बट जो पुचका होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट टेस्ट होता है। इमली का पुदीना धनिया पर इतना एम्फोसिस नहीं दिया जाता, पर इतना बढ़िया स्वाद होता है कि खा के मज़े आ जाते हैं। मीठा पानी भी होता है, खट्टा पानी भी होता है, तीखे वाला खट्टे पानी के साथ खाओ मज़े आ जाते हैं। और एंड में आपको ऐसे सूखा पुचका भी देते हैं। मेरे जैसे चिंदी चोरों के लिए परफेक्ट। 50 रुपीज के पुचके थे जिसमें 7 पुचके आते हैं। अभी भी हमारे पास 450 रुपये का बजट है, चलते हैं देखते हैं 450 रुपये में मार्केट में और क्या क्या मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेट्स गो। नेक्स्ट लोकेशन हम लोग आ चुके हैं इन सीआर पार्क, दैट प्लेस इज नोन एज रोल्स एंड रोस्ट। लेकिन हम यहाँ ना तो रोल्स ट्राई कर रहे हैं ना ही कुछ रोस्ट ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग ट्राई कर रहे हैं चाइनीज चाट। तो ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो कोलकाता में इट इज़ वेरी कॉमन और नॉट, बट सीआर पार्क में इट इज़ वेरी कॉमन ये जो चाइनीज चाट वाली चीज़ है। बेसिकली क्या होता है कि ऐसा पूरा एक काउंटर होता है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें चिली चिकन होता है, शेजवान चिकन होता है, चिली ब्रेड होता है, मंचूरियन होता है, चिकन मंचूरियन होता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप राइस चूज़ कर सकते हो या नूडल्स चूज़ कर सकते हो, आपको प्लेट में डाल के देते हैं, ऊपर से ये सब चीज़ें डालते हैं एंड देन यू कैन ईट इट। और मैंने हाफ प्लेट ले लिया है, मैं फुल प्लेट लेती बट क्योंकि आज हमारे पास में बजट कॉन्स्ट्रेंट है इसलिए हमने सिर्फ हाफ प्लेट लिया और इसमें सिर्फ 3 ही पीस चिकन के आते हैं। बट ओवरऑल आई फील क्वान्टिटी ठीक ही है 150 रुपये के हिसाब से शायद। ट्राई करते हैं इसको और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मुझे तो बढ़िया लग रहा है देखने में, तो देखो बहुत एपेटाइजिंग लगता है, मुझे इतनी भूख थी भी नहीं बट जैसे मैंने देखा, समझ रहे हो, लेट्स ईट इट। अकेले अकेले खाने का जो मज़ा है ना, तुम्हें चिढ़ाने का जो मज़ा है ना, मैं टेस्ट की करूँ बात तो टेस्ट इज़ वेरी देसी, जैसे एकदम देसी चाइनीज वाला स्वाद होता है ना बिल्कुल वैसा ही है। काफ़ी विनेगर का काफ़ी प्रोमिनेंट टेस्ट है, अगर आपको बहुत खट्टा नहीं पसंद तो मे भी नहीं पसंद आएगी, बट ओवरऑल मेरे को लगा अच्छी है यार। मतलब मंचूरियन का टेस्ट अलग आ रहा है, चिली चिकन का टेस्ट अलग आ रहा है,
शेजवान चिकन का टेस्ट अलग आ रहा है, तीनों को मिक्स कर रहा है तो उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो ओवरऑल मेरे को कॉम्बिनेशन बड़ा सही लगा है, मेरे को तो बढ़िया लगती है। पता नहीं लोगों का ना बड़े मिक्स रिव्यूज़ होते हैं यहाँ पे, बट मुझे ये जेन्युइनली बड़ी पसंद आती है। आप यहाँ पे आ सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो, मेरी तरफ से तो ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है। प्राइस इसका 150 रुपीज़ है, टेस्ट में अच्छी है, पर मेरे को ना थोड़ा चिकन कम लगा एज़ कम्पेयर टू द क्वान्टिटी ऑफ राइस, तो मुझे लगना चाहिए था थोड़ा चिकन ज़्यादा होता तो मज़े से ही आ जाते, पर बढ़िया है, मतलब आ सकते हो आप इसको ट्राई करने के लिए। मेरी तरफ से तो 4 रेटिंग है आउट ऑफ 5। अब हमारे पास में बजट बचा है, कितना बजट बचा है? 300 रुपये का, 300 रुपये का बजट बचा है। अब देखते हैं 300 रुपये में सीआर पार्क में क्या क्या खा सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर इतनी बढ़िया चीज़ें ना, यहाँ पर चिकन लॉलीपॉप्स है, यहाँ पर प्रॉन कटलेट्स हैं, यहाँ पर चिकन कटलेट्स हैं, मटन कटलेट्स हैं, एग चॉप, पता नहीं क्या क्या है, रोल्स हैं, मुगलई पराठा है, फिश है, इतनी सारी चीज़ें हैं, बट हमारे पास बजट नहीं है। पहले रोल्स एंड रोस्ट आई हुई हूँ, इनके जो कोलकाता स्टाइल रोल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा स्वाद होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, पर ये 190 रुपये के हैं, मतलब जो चिकन रोल है बेसिक वाला, अगर मैंने वो ले लिया ना तो मेरा सारा बजट हिल जाना है। तो मैं देखती हूँ कहीं से कुछ सस्ता मिल जाए ताकि मैं आज का चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँ गरीबी के साथ। देखते हैं क्या मिलता है हमें अपने बजट में, लेट्स गो। सो रोल्स एंड रोस्ट के जस्ट सामने देयर इज अ प्लेस कॉल्ड हॉट काठी रोल, एंड रोल्स एंड रोस्ट एंड हॉट काठी रोल का ऑलमोस्ट मेन्यू सेम ही है। तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कराया है ये चिकन कटलेट। वैसे इनके पास में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन थे, इनके पास में प्रॉन्स थे, इनके पास में फिश थी, उन्होंने तुम्हें बताया ही था ना कितने सारे ऑप्शन थे, बट उसमें से जो बजट वाली चीज़ मुझे लग रही थी ना वो ये लग रही थी, दिस इज़ फॉर 70 रुपीज़ एंड ये चिकन चॉप है। बस अब देखना ये है कि इसको खा के आते हैं मज़े या हो जाती है हमारी भी चॉप। साथ में इन्होंने दिया है कासुंदी, जो मस्टर्ड होती है, ये बंगाली वाली अलग होती है, इंग्लिश वाली अलग होती है, दिस इज़ वेरी पंचेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, और प्याज है साथ में, लेट्स ईट इट। तो अगर मैं टेस्ट की करूँ बात तो ऑनेस्टली मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। मैंने ऑर्डर चिकन वाला किया था पर इसमें टेस्ट सिर्फ आलू का आ रहा था, विच वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। मजे तो डेफिनेटली नहीं आए, यू कैन ऑल्सो स्किप इट इफ यू वॉन्ट टू ट्राई इट। देखो सीन ऐसा है कि वैसे तो मेरा बजट है नहीं यहाँ पे रोल खाने का, बट चिकन रोल का मैंने यहाँ पे प्राइस देखा है, दैट इज़ फॉर 130 रुपीज़, और मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं खा लूँ, क्योंकि मेरे सामने बहुत लोग खा रहे हैं और मेरे सामने बन रहे हैं, मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। दो हमारे बजट से बहुत महंगी चीज़ है, बट आई थिंक वी शुड ईट इट बिकॉज मैं दूसरों का पेट खराब कर दूँगी अगर मेरे को अब ना मिला ये रोल। चलो चलते हैं। फाइनली मैंने अपनी क्रेविंग्स के आगे कर दिया है गिव अप, और मैंने लिया है यहाँ पर चिकन रोल, विच इज़ चिकन एग रोल, और ये 140 रुपये का है। तो अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करूँ, जो कि मैं अपने दिमाग में पहले कर चुकी हूँ ताकि मैं एम्बैरस ना हूँ वीडियो में, मस्त प्लानिंग, तो हमारे पास सिर्फ 90 रुपये का बजट बचा है। सारा बजट इन दो दुकानों पर ही उड़ा दिया है मैंने, और मेरा बहुत मन था कि मैं मुगलई पराठा खाऊँ, बट यहाँ पर मुगलई पराठा 200-250 रुपये का है, क्लियरली हम नहीं खा सकते आज। पर कोई नहीं भाई, ये खाते हैं, मतलब हर चीज़ पर रोते थोड़ी देंगे, इतनी बढ़िया चीज़ें खा रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है हम, जो नहीं मिलता ना उसी के लिए हम इंसान लोग रोते रहते हैं। वेलकम टू कुलज्योति इस प्रवचन। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ ना तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, बड़ा ही मसालेदार सा रोल है और चिकन भरा पड़ा है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई कंजूसी करी हुई हो। 140 का दे रहे हैं तो चिकन भी फुल पावर भर के दे रहे हैं, और टेस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, काफ़ी डिस्टिंक्ट से मसालों का स्वाद है, और साथ में एग और जो ये ऊपर की रोटी है ना, कॉम्बिनेशन में बहुत 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 अच्छी लग रही है। मैं बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन से कि मैंने पैसे खर्च दिए इसके ऊपर, और अब मैं इसको खा सकती हूँ। इसको खाते हैं और फिर आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वॉक करके जाना पड़ेगा, इसीलिए कैलोरीज जब बर्न होनी है तो बढ़ाते भी हैं। मार्केट वन से चलते चलते अपनी गाड़ी आ चुकी है मार्केट थ्री की तरफ ना। मार्केट वन इज़ वेरी कमर्शियलाइज्ड, वहाँ पे काफ़ी कमर्शियल जगह हैं, पॉपुलर जगह हैं, बट मार्केट थ्री इज़ वेरी
शांत, मतलब उतना कमर्शलाइज नहीं है यहाँ पे। दूसरी तरह की मार्केट है, मतलब जो ऐसे पार्ट्स वाली और इन्वर्टर्स वाली और ये सब चीज़ों वाली मार्केट होती है वैसे है। उसमें से एक शॉप ऐसी है जहाँ पे खाना मिलता है, एंड दैट इज़ आशीर्वाद स्नैक कॉर्नर। और यहाँ पे हम लोग आए हैं खाने के लिए इनकी फ़िश, क्योंकि अगर सियार पा खाएंगे और फ़िश नहीं खाएंगे तो हमारी वीडियो पूरी नहीं होगी। तो भाई मैं क्यों आई हूँ मार्केट वन से यहाँ पे, एक तो यहाँ के प्राइसेज आर सो चीप कि अगर मैं बताऊँगी ना तो तुम्हारा दिमाग ऐसे हो जाएगा। दूसरा, ये लोकली बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था, वो वहाँ से फ़िश लेके आए थे, मुझे बहुत बढ़िया लगी थी इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी ये दिखाऊंगी। उनको उनके फ्रेंड्स ने बताया था जो कि बंगालीज हैं, उन्होंने बताया था कि यार यहाँ की फ़िश बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ले आई हूँ। और यहाँ पर मैंने दो चीज़ें ऑर्डर करी हैं, पहले मैं तुम्हें प्राइस बताऊँगी तुम रह जाओगे। हमारा टोटल बजट वॉज 90 रुपीज़, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर लिया है फ़िश फ्राई जो कि ऐसा दिखता है, देन प्रॉन फ्राई जो कि ऐसा दिखता है, और ये टोटल पता कितने का है, 45 रुपीज़ का, जिसमें प्रॉन इज़ फॉर 30 रुपीज़ एंड फिश इज़ फॉर 15 रुपीज़, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। अब मैं ज़रा फ़िश खाती हूँ और आपको बताती हूँ उसका टेस्ट कैसा है, लेट्स गो। प्रॉन ऑल्सो, ना जिस तरह के आगे प्राइसेस है ना, आपको लग सकता है कि भाई फ़िश की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, पर इसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि मैं क्या बताऊँ। फ़िश में से बिल्कुल भी फ़िशी स्मेल नहीं आ रही, और ये एकदम क्रिस्पी सी फ़िश है, उसके ऊपर पूरा ऐसा मैरिनेशन एंड बैटर लगा के उसको डीप फ्राई करा गया है, सुपर डुपर क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स लगाए गए हैं, यम यम यम। और सेम चीज़ इन्होंने प्रॉन के साथ भी करी हुई है, एंड इनफैक्ट प्रॉन खा के भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, जैसे फ़िश की अगर क्वालिटी सही नहीं होती ना तो उसमें से बहुत फ़िशी स्मेल आती है, इसमें से वैसी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए मेरे को इसका टेस्ट बहुत 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 बढ़िया लगता है। आप भी यहाँ पे आ सकते हो। ये देखो मैंने घर के लिए पैक करवाई है 10 पीस फ्राइड और 10 पीस ऐसे ही रॉ, ताकि मैं उसको एयर फ्राई कर पाऊँ। भाई तो ओवरऑल ये जो जगह है ना, ये हिडन जेम है, डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो इनकी फ़िश, इट इज़ वेरी नाइस, लवली। एक चीज़ मुझे बोलनी थी कि मुझे ना यहाँ की फ़िश एज़ कम्पेयर टू द प्रॉन्स ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि फ़िश के ऊपर एकदम पतला से इन्होंने ऐसा बैटर लगाया हुआ और क्रम कोट करा है, जो प्रॉन्स है ना ऑन दी अदर हैंड उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लगाए हुए हैं क्रम्स वगैरह, और उसकी वजह से ना प्रॉन्स का कम टेस्ट आ रहा है, क्रम ज़्यादा आ रहा है, बट फ़िश तो एपिक है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। हिडन जेम है ये सीआर पार्क का, आपको बहुत 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 पसंद आएगा, आई प्रॉमिस। अगर तुमको लग रहा है कि मेरे परखच्चे से उड़ गए हैं, तो उसका रीज़न ये है कि मैं मार्केट 3 से चल के आ रही हूँ इन मार्केट 1 अगेन, और हम यहाँ पे आए हैं यहाँ की मिठाई खाने के लिए। मतलब बंगाली जहाँ पे आए हो और मिठाई नहीं खा के जाओगे, रसगुल्ला नहीं खा के जाओगे, ऐसे कैसे चलेगा। टोटल जो हमारा बजट बचा था हमारे पास में आफ्टर ईटिंग फिश वॉज जस्ट 45 रुपीज़, लेकिन हमने बहुत कुछ मैनेज कर लिया 45 रुपये के अंदर अंदर। एक तो हाई सी आर वाग आए, रसगुल्ला ना खाएँ, ऐसा कैसा हो सकता है, ये कैसे एक्सेंट मिक्स हो रहे हैं, मैंने मुझे समझ नहीं आ रही। बट हम लोग आ चुके हैं द आइकॉनिक कमला स्वीट्स ऑफ सी आर पार्क, और यहाँ पे एक तो मैंने मंगवाया है ये रसगुल्ला, जो स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला होता है वो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पर मंगवाया है कि क्या था, मैं इसका नाम भूल गई हूँ, इसका नाम वॉज अच्छा ये क्रीम टोस्ट, हाँ इसका नाम वॉज क्रीम टोस्ट, इसका नाम वॉज रसगुल्ला या रसगुल्ला। तो जो अपना रसगुल्ला था ये था 18 रुपये का, और अपना जो क्रीम टोस्ट था ये था 30 रुपये का, तो जो टोटल होता है दैट इज़ 48 रुपीज़, और 3 रुपीज़ है, हम ये चैलेंज हार चुके हैं, पर जो हार के भी जीत जाए उसको कुलजोधी ढींगरा कहते हैं। भाई चैलेंज हार के भी इतना बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है, अपना कुछ क्या है, ठीक है। ये मैं खा रही हूँ रसगुल्ला, लेट्स गो, सो गुड, बहुत टेस्टी है। अगर मैं वीडियोग्राफर के लिए कुछ ना छोड़ूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल। लेट्स ईट द क्रीम टोस्ट नाउ, यार रसगुल्ला तो बहुत ही अच्छा है, लाइक इतना स्पॉन्जी, इतना सॉफ्ट। अब मुझे समझ आया है बंगाल में लोग क्यों इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं रसगुल्ला से, भाई रीज़न है क्योंकि ये बहुत स्वाद है, मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा। ये जो क्रीम टोस्ट है देखो मेरे टेस्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मीठा है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा लगा मुझे, पर अगर आपको बहुत मीठा खाना पसंद है आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। बस काफ़ी ये भी ऐसा है बिल्कुल जैसे मुँह में घुल जाने वाला स्वाद है, लेकिन ये तो मैं बता रही हूँ इससे ज़्यादा स्वाद चीज़ मैंने खाई ही नहीं।
सो इसी के साथ आज का वीडियो हो चुका है फिनिश। हम गए हैं चैलेंज को हार 3 रुपए के साथ। बट यार ज़्यादा करारी हार तो नहीं मिली, ठीक है, मतलब इज्जतदार हार हमने ली है। बट ओवरऑल आज का चैलेंज करके मेरे को बड़ा 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 मज़ा आया है। इतना डाइवर्स और इतना डिफरेंट तरीके का खाना मैंने खाया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे मैं कैसे वीडियोस करूँ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पूरी देख ही लिया है तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। दुर्गा पूजा और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड दिस इज कुलज्योति ढींगरा साइनिंग ऑफ टू कम अप विद मोर वीडियोज इन फ्यूचर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते पीते रहो।